नमस्कार, मैं आदित्य कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अनेबल डेवलपर ऑप्शन इन iPhone। सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके आप देखेंगे कहीं डेवलपर ऑप्शन है तो नहीं। अगर नहीं है तो हम सीधा अबाउट फ़ोन में जाएंगे। जैसे आप अबाउट फ़ोन पर क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। डिवाइस का नाम, डिवाइस का मॉडल और एंड्रॉयड वर्जन और स्टोरेज स्टेज, ये सारी चीज़ होती है वो बता देंगे। पर हमें जिस चीज़ का मतलब है वो है MIUI वर्जन पर। हम 5 बार क्लिक करेंगे, टैप करेंगे और जैसे हम 5 बार टैप कर लेते हैं वहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा यू आर नाउ डेवलपर। अब हमने डेवलपर ऑप्शन अनेबल कर चुके हैं। अब हम बैक करेंगे और एडिशनल सेटिंग में जाकर स्क्रॉल करेंगे सबसे लास्ट में और वहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप डेवलपर ऑप्शन जाएंगे, अब आप डेवलपर ऑप्शन में आ चुके हैं। अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं, स्टे अवेक कर सकते हैं। इसका मतलब है चार्जिंग के दौरान आपका फ़ोन चालू रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। डेमो मोड हो सकता है, आप डेमो मोड कर सकते हैं। डेमो मोड में होता क्या है कि सिंगल आइकन करता है, इस पर डिवाइस चेंज करता है बहुत सारी, और इसमें USB डबिंग हो सकता है। जैसे कि आप अपने फ़ोन को अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं वो उसके थ्रू हो सकता है। इसमें बहुत सारे आपके डाटा जा सकते हैं। अगर आपको यूज़ ना करना आता हो, किसी गलत आदमी के हाथ में फ़ोन लग जाए तो आपके बहुत सारे पर्सनल चीज़ें वो ले सकता है। इसीलिए डेवलपर ऑप्शन को बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता है। एंड्रॉयड 4.2 वर्जन में क्या होता था कि डेवलपर ऑप्शन सेटिंग्स में नॉर्मल टूल्स के साथ ही आता था, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ा नॉर्मल पर्सन इसका यूज़ कम करने लगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको हाइड कर दिया गया। और अगर आप चाहें तो डेवलपर ऑप्शन अनेबल करके आप जो भी सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। 100 टैप्स हैं यहाँ पे। 100 टैप्स में जैसे कि अगर आप किसी फ़ोन पे उंगलियाँ लगाते हैं, जहाँ भी आप टच करते हैं तो आपको एक गोल छोटा सा सर्कल सा दिखाई देगा वहाँ पर, वो है जिसे इसका मतलब। आप अगर चाहें तो आप जो भी चाहें, डेवलपर है, एक डेवलपर क्या होता है जो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकता है, कर सकता है। और जैसे यहाँ पे डिलीट सेकंड स्पेस है, अगर आप सेकंड स्पेस यूज़ करते हैं, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप डेवलपर में ही उसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप डेवलपर अगर चाहें तो बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छे से समझ आया हो कि डेवलपर सेटिंग कैसे अनेबल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।